अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे कम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं स्कूल से वापस आ गया था और मैंने फिर खाना खाया था और सो गया था। अभी ही उठा और व्लॉग शुरू कर दिए। पीर का दिन है और आज मैं स्कूल गया था, पर आसाम के एक बात है कि उसे 4 बजे छुट्टी होनी थी, पर प्लान उनका चेंज हो गया। उसने जिस टाइम पे आते हैं उस टाइम पे उसे छुट्टी हुई है 1 बजे। अभी 1 महीने के बाद उसकी वो रूटीन चेंज होगी और वो देखें मल्लू। दोस्तों अभी मैं बगीचे में आया हुआ हूँ और थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ आवाज़ चल रही थी दोस्तों, देखिए अभी भी चल रही है हल्की हल्की सी। थोड़ी देर पहले फुल दरख्त हिल रहे थे, पर तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो फिर अभी मैं घर से मोबाइल लाया हूँ। देखिए अभी भी आवाज़ चल रही है। तो मैं अभी आपको मीठे के दरख्त की अपडेट देता हूँ। कुछ फूल हैं दोस्तों, इसके साथ नए फूल निकले हैं। ये देखें कुछ बन रहे हैं अभी दोस्तों, और ये बहुत प्यारे हैं। इनकी खुशबू भी प्यारी होती है। ये छोटा सा दरख्त है दोस्तों, उधर से आपको अखरोट के दरख्त का नहीं पता चलेगा कितना बड़ा है, और यहाँ से देखें कब्रिस्तान पर जैसे पता लग रहा है कि कितना बड़ा है। यार अभी दोबारा से हवा शुरू हो गई है, बहुत मज़े की हवा चल रही है बहुत देर से। आज बहुत बारिश भी हुई है और कभी हवा होती है कभी बारिश होती है, ये पता नहीं क्या मतलब मौसम मिक्स है। थोड़ी देर पहले धूप थी और उससे पहले बारिश थी और अभी हवा है, तीनों मौसम आई मेरे साथ है। तो वही जंगली फूल है ये वाले जो मैंने आपको कल नानू के घर दिखाए थे, देखें वो गुलदस्ते में पड़े थे और ये कबर के ऊपर लगी हुई। दोस्तों ये वाला अखरोट बहुत मज़े का होता है, ये जो आसानी से निकल जाते हैं वो वाला अखरोट है तो बहुत मज़े का होता है। अभी दोस्तों ये भी अखरोट बहुत बड़ा है पर उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, और इसके फल बहुत ही मज़े के होते हैं। ये अभी कच्चे हैं, जब ये पकेंगे मैं आपको ज़रूर तोड़ के बताऊँगा। दोस्तों पूरे बगीचे में इस दरख्त के फल बहुत अच्छे होते हैं। इस अखरोट का दूसरे अखरोट तो फूल जैसे पत्थर होती हैं वैसे बनी होती हैं। और मुझे एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर नज़र आ गई है, एक स्ट्रॉबेरी टाइप होती है तो मैं कभी कभी खाता भी होता हूँ। ये मुझे ऐसे लगती है पता नहीं खाने की चीज़ है या तो नहीं। जब दोस्तों ये जंगली फल है, यहाँ पर सब लोग खाते हैं, ऐसे गुड्डी में वो बोलते हैं, यहाँ पर तो सब लोग खाते हैं, पता नहीं तो आप लोगों को बताएगा या तो नहीं। वैसे मुझे तो अच्छी लगती है, एक और नहीं खाई थी तब से मुझे अच्छी लगती है। दोस्तों ऐसे लगते हैं जंगली स्ट्रॉबेरी के, स्ट्रॉबेरी का पौधा भी ऐसे ही होते हैं और उसका पता नहीं कैसा तोड़ती है। देखें दोस्तों ये छोटे छोटे पूरी ज़मीन में लगी हुई हैं, ज़मीन में लगती होती हैं। दोस्तों ये टिम्बर का दरख्त है, क्या छोटे छोटे बूल लगा हुआ था, देखते हैं अभी यहाँ पर टिम्बर निकले हैं या नहीं। दोस्तों ये यहाँ पर टिम्बर निकल गए हैं यार, छोटे टिम्बर और भी जगह ज़रा बहुत निकली हुई हैं। दोस्तों ये टिम्बर बहुत अच्छा होता है, हम लोग इसकी चटनी बनाते हैं और इसे तोड़ के लेके जाते हैं। और अभी उससे ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हवा का तो ये सीन चलता ही रहेगा, बहुत मज़े का ये सीन होता है, मुझे सबसे मज़े का ये सीन लगता है। दोस्तों जिस तरह अनार होते हैं उस तरह ये खट्टे होते हैं, देखिए दोस्तों, और इनका अनारदाना बनता है और हम लोग गा के खाते होते हैं इस सीज़न में, नमक मिर्च भी इनके साथ ही ला के खाते हैं हम। दोस्तों इनके अभी सिर्फ फूल ही निकले हैं, जब इन के साथ फल निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी हमारे घर में बहुत यूज़ होता है, इसकी भी मतलब अनारदाना के लिए यूज़ होती है। दोस्तों ये अनार की शेप का ही होता है, अनार जैसा ही होता है पर खट्टा होता है, और हम लोग इस यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं, अनारदाना बनाते हैं और फिर हम लोग इसे चटनी में यूज़ करते हैं। दोस्तों आपके साइड में होते हैं ये, मेरी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इन्हें दुरुने बोलते हैं, आप भी मुझे कमेंट बताना कि आपके वहाँ लगे होते हैं ये। देखें अभी बहुत छोटे हैं, जो बड़े हैं जो खाएंगे ये बहुत मज़े के लगते हैं। दोस्तों इस तरह की जगह में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, दोस्तों ये बहुत होते हैं
और ये खुद ही निकलते हैं, लगाता कोई नहीं है। और वहाँ पर भी एक दरख्त था शेफान, जब मैंने आपको बताया था शेफान के बारे में, शेफान जब वो बना रहा था तो उसने दरख्त को काट दिया था, और शुक्र है ये लोग का दरख्त नहीं काटा, ये बहुत मज़े का होते। वैसे दरख्त काटना अच्छी बात नहीं होती, दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो पौधे हमें देते रहते हैं। और अगर बिल्ली दोस्तों, ये बिल्ली जा रही थी तो ऐसे दरख्त काटना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप दरख्त की कटाई छोड़ दें, ऑक्सीजन भी मिलेगी आस्ते आस्ते, दुनिया में आबादी भी ज़्यादा होती जा रही है, फिर कम कम ऑक्सीजन मिलेगी और अभी जाती हैं दोस्तों। पहले पार्क फुल साफ नज़ारा था, देखें अभी दरख्तों के साथ पत्ते निकल आए हैं, तो ये अभी ठीक तरह नहीं हो रहा था। और यहाँ का एक और नीचे पढ़ लें, देखें बहुत प्यारा दोस्तों, इस अखरोट की दरख्त का तना चेक करें और इसकी जड़ भी चेक करें दोस्तों। देखें ये अखरोट छोटे छोटे यहाँ पर निकली हुई हैं, मैंने पिछले दिनों आपको बताया पके हुए थे, अभी कुछ कुछ ही पके हुए हैं दोस्तों। देखें ये अभी कच्चे हैं क्योंकि इन दिनों धूप नहीं हो रही, बारिश हो रही, पर ये अभी खा भी नहीं सकते, तोड़ के चेक करके कोई काले काले हैं ना, तो पके हुए हमें तोड़ के खाएंगे, तोड़ने मेरा इतना काद नहीं है यार, इतनी भी कोशिश कर लूँ यार तोड़ने नहीं है। मैं अभी छोटा हूँ ना, छोटा बच्चा पहला है जो ब्लॉगिंग कर रहा है पाकिस्तान में, क्या पता दोस्तों। दरख्त बहुत बड़े देखे वो तक जो है, अभी हम लोग भी लगेंगे, क्या पता हम इसी सीजन में लगते, इसी सीजन में लगते हैं तोड़ने होते हैं दोस्तों। यहाँ इस साइड ज़रा बहुत पकी हुई है, इसलिए जो जा रहे हैं यहाँ पर ज़रा बहुत पकी हुई है दोस्तों। आपको तकरीबन मैंने बगीचे की सारी अपडेट्स दे दी हैं, इतने दिनों बाद मैंने बगीचे का एक बड़ा सा व्लॉग बनाया है, और इसी ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ आज को व्लॉग करते हैं एंड। आज जल्दी व्लॉग एंड कर रहा हूँ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में इतने। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं किसी व्लॉग में, तो फिर हाफिज़।